गौरव बल्लभ जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताइए ना। गौरव बल्लभ जी इनकी पार्टी तो क्या गम है जिसे छुपा रहे हैं। एक बार आप सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं गौरव बल्लभ जी, सुन तो लीजिए उनकी बात को। म्यूट है, सुनिए। बोलिए गौरव जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटा था वो अब जुड़वा तक तो आ गया है, अब वो जुड़वा कब बड़ा बन जाए पता नहीं, राजीव जी को सोचना चाहिए। और आपने इनसे पूछा कि आप कैसे प्रचार करेंगे, तो प्रचार की तो इनको जरूरत क्या है, इनके तो प्रचार घर घर में है कि 24 घंटे में पुल टूट जाता है, सृजन के घोटाले हो जाते हैं, बिहार सरकार मजदूरों के लिए बस नहीं दे पाती है, इसका प्रचार हुआ हुआ है। कोई प्रचार की आपको जरूरत ही नहीं है, आपका प्रचार घर घर में हुआ हुआ है कि क्या आपने बिहार की दुर्दशा करी है, क्या आपने पटना की बाढ़ की। तब तो गौरव जी आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, काउंटर क्वेश्चन है। तब तो फिर आप लोग इस बार हरा रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी इस बार हरा रही है नीतीश कुमार को और बीजेपी के गठबंधन को। अंजना जी मेहनत तो देखो हमारी फितरत है, हम तो मेहनत करेंगे, जो हम हमारे को जो करना है हमारी पॉजिटिव बातें और आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे। और जो आपने इनसे पूछा उसका जो मैंने इनको जवाब दे दिया, और छोटा भाई जुड़वा हो गया है, अब ये जुड़वा कब बड़ा हो जाए कब छोटा हो जाए इनका कोई भरोसा नहीं है। चाचा नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता किसी को समझ में नहीं आता। स्टार प्लस का सीरियल भी इस पे सीरियल नहीं बना सकता है। ये ऐसा शाहनवाज जी इससे पहले कि जवाब दें, गौरव जी आपके यहाँ तो रिश्ते क्लियर है ना कि तेजस्वी यादव उम्र में कितने भी छोटे हो बिहार में आपके बड़े भाई रहेंगे। आप एक बार सवाल दोहराएंगे रोहित जी, कह रहा हूँ आपके यहाँ तो रिश्तेदारी क्लियर है ना सर कि तेजस्वी वैसे भले ही छोटे हो लेकिन आपसे बड़े रहेंगे बिहार में। फिर ऑडियो चला गया सर, म्यूट हो गए आप पूरे। हमारे तो छुपे हुए रिश्ते, कोई छुपे हुए नहीं है। म्यूट करने वाली है कांग्रेस को इस चुनाव में। गौरव जी देखिए चाचा वहां रह गए, भतीजा आप ले आए और भतीजा आपके बड़े भैया बन जाएंगे। यहाँ पर भी तो हर जगह गठबंधन का यही हाल है क्यों गौरव जी? नहीं नहीं अंजना जी, चाचा मैं समझा नहीं। अगर आप लालू जी बिहार में एक ऐसी फिगर है जिससे हर बिहारी अपने आप को एसोसिएट करता है, और उनके उनके आशीर्वाद से तेजस्वी जी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा उनके साथ अलायंस होगा और भी कई लाइक माइंडेड पार्टीज हमारे साथ जुड़ेगी। और आपको आश्चर्य ना हो कि ये जो अभी जुड़वा तो बन गए पर एक छोटा रह गया, वो छोटा कब हमारे साथ आ जाए आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो तो जुड़वा हो गए एक छोटा रह गया। जिन लालू जी की आप बात कर रहे हैं आपको पता है ना कि वो चुनाव से गायब क्यों है, भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे हैं, और आप कह रहे हैं हर बिहारी की पहचान इसी उन्हीं से है। ये कौन सी बात हुई और ये कहाँ की आपकी थ्योरी है और कहाँ से आपने इसको इवॉल्व किया? जी जी, अब भ्रष्टाचार का तो अभी अगर मैं अंजना जी आज अगर अपन डिस्कशन करना चालू करें तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के आधे मुख्यमंत्री आपको उसी पेरिस में लिखेंगे, तो उसके ऊपर आज बात ना की जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार पे हम पॉजिटिव मुद्दों से बात करेंगे, रोजगार का मुद्दा, इनके घोटाले जैसे सृजन हुआ, 24 घंटे में पुल टूटने का मुद्दा, बेरोजगारी, जिस तरह बेरोजगारों लोगों के साथ जो बर्ताव किया गया, और अभी मेरे सामने अंजना जी एक मिनट, फिर मैं राजीव जी की बात। गौरव जी खत्म कर ले, गौरव जी जल्दी से खत्म कीजिए। अरे सर पहले समझिए तो आप लोग लड़ किस बूते पर रहे हैं, पुल टूटने पर लड़ रहे हैं, लालू जी के करिश्मे पर लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप और उसमें सजा लालू जी काट रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़िएगा, लड़िएगा कहाँ? कांग्रेस पार्टी खड़ी कहाँ है और कहाँ तक आपकी पहुँच है बिहार में? कांग्रेस पार्टी युवाओं को जिस तरह बिहार में इन्होंने बेहाल किया है, बेरोजगारी बढ़ाई, उस पर लड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी जदयू और भाजपा पर भ्रष्टाचार करने के मुद्दे पर लड़ रही है कि जिस तरह सृजन का घोटाला होता है, जिस तरह 24 घंटे में पुल टूटते उस पे लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, उनके झूठ पे लड़ रही है। ठीक है उसी का जवाब रंजन जी दे रहे हैं, रंजन जी दे रहे हैं, फिर चलते हैं। एक लाइन अंजना जी, ठीक है कुछ अच्छी लाइन सोच के आए हैं, बोलने दीजिए उनको। हाँ गौरव, जमीन देंगे हर बिहारी को जिसके पास घर नहीं है, क्या दिया क्या बताओ ना आप? आपने जो घोषणाएं करी कभी पढ़ते भी हो उसको कि फेंक देते हो उसको?